दुनिया में जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वैज्ञानिकों की परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। वैज्ञानिकों को यह भी डर है कि दुनिया पर एकाएक कभी कोई बड़ा संकट आ सकता है। इन्हीं चिंताओं के मद्देनजर साल 2008 में वैज्ञानिकों ने नॉर्वे में एक अनोखा बैंक बनाया। इसमें दुनिया भर में पाए जाने वाले सबसे खास और बेहतरीन गुणवत्ता वाले अनाजों, फलों, सब्जियों और पेड़ पौधों के चुनिंदा बीज संभाल कर रखे गए। इससे सॉल बॉर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट का नाम दिया गया। इसे बनाने का मकसद ये था कि अगर किसी दिन दुनिया पर कोई बहुत बड़ा कहर आता है तो उस स्थिति में भी भविष्य के लिए अनाज और खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। ऐसा ना हो कि दुनिया पर आए संकट में हर चीज बर्बाद हो जाए और भविष्य में इंसानों की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस ग्लोबल सीड वॉल्ट को हर तरह के खतरे का सामना करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। शायद इसीलिए कई लोग इसे डूम्सडे सीड वॉल्ट भी कहते हैं। इस वॉल्ट को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि ये कयामत के दिन भी सही सलामत रहेगा और आपदा से उबरने के बाद भी इसी के सहारे आने वाले इंसानों और जीवों की आबादियां पेट भरने का इंतजाम करेंगी। क्या है ग्लोबल सीड वॉल्ट की खासियत? नॉर्वे में स्वालबर्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट को आर्कटिक में स्वालबर्ड द्वीप पर बनाया गया है। ये बैंक पहाड़ी को काटकर बनाया गया है। ये समुद्र तल से 130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ -18 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधों के बीजों को संरक्षित किया गया है। 2008 में सीड बैंक को $90 लाख यानी कि करीब 58 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया था। इस सीड वॉल्ट की क्षमता 2 अरब सीड्स की है। यहाँ फिलहाल 4000 से ज्यादा प्रजातियों के 10 लाख से ज्यादा सीड सैंपल के पैकेट्स सुरक्षित रखे गए हैं। हर पैकेट में एक अहम फसल श्रृंखला से जुड़े बीज सुरक्षित रखे गए हैं। इसके अलावा ये दुनिया भर के करीब 1700 जीन बैंकों के लिए बैकअप का काम करता है। 2015 में स्वालबर्ड सीड वॉल्ट को वैज्ञानिकों के लिए खोला गया था। दरअसल सीरिया के अलेप्पो शहर में स्थित जीन बैंक को वहां चल रहे गृह युद्ध से बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए वैज्ञानिकों ने स्वालबर्ड सीड वॉल्ट से जरूरी सीड्स को फिर हासिल किया था। 2016 सीड वॉल्ट पर ही आ गया संकट। द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्लोबल सीड वॉल्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया कि कोई आपदा इसे नुकसान ना पहुंचा सके। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका डिजाइन अभेद्य है। पूरी मानवता के भविष्य को बचाने के मकसद से तैयार किए गए इस सीड वॉल्ट को आर्कटिक के एक बर्फीले पहाड़ के अंदर काफी गहराई में बनाया गया। जब 2008 में इसे बनाया गया था तब बर्फ से जमी जमीन के अंदर काफी गहराई में इस वॉल्ट को डुबो दिया गया था ताकि ये व्यवस्था किसी भी मानवीय या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस वॉल्ट को शर्तियां सुरक्षित रख सके। हालांकि इस पूरी मेहनत पर साल 2016 में ग्लोबल वार्मिंग ने पानी फेर दिया क्योंकि इसके कारण यहां पूरी सर्दियों में तापमान बेहद गर्म रहा। वातावरण में अजीबोगरीब बदलाव देखने को मिले। इसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ पिघली और इस बीज बैंक में एंटर होने वाली टनल में पानी भर गया। वॉल्ट से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक उनको ये अंदाजा भी नहीं था कि ये वॉल्ट बर्फ की परतों से ढकी धरती के अंदर रखा गया है, वहाँ बर्फ ही नहीं रहेगी। जलवायु में हुए इस बदलाव के कारण जो तब्दीलियां हुई उसके कारण वॉल्ट की सुरंग के रास्ते में बहुत सारा पानी भर गया। इसके बाद पानी जमकर बर्फ बन गया। इसके कारण वॉल्ट की सुरंग की हालत ग्लेशियर जैसी हो गई। हालांकि पानी केवल टनल तक ही पहुंचा, वॉल्ट तक वो अपनी पहुंच नहीं बना पाया और बीज सुरक्षित रहे। जब इस वॉल्ट को डिजाइन किया गया था तब इसे हर आपदा से सुरक्षित रहने के लिए तैयार किया गया, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि अब इस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। लद्दाख में स्थित है भारत का सबसे बड़ा सीड बैंक। लद्दाख के लांगला टॉप पर भारत ने सीड बैंक बनाया है जिसका संचालन DRDO करता है। ये समुद्र तल से 17,500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान -4 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। यहाँ 5,000 से ज्यादा सीड्स को संरक्षित रखा गया है। इस सीड बैंक की क्षमता 50,000 सीड्स की है। सीड वॉल्ट को किया गया अपग्रेड। बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी भीषण प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी मानव जनित
आपदाओं से धरती के बहुमूल्य जैव संपदा पूरी तरह नष्ट ना हो, इसके लिए जीन बैंक और सीड बैंक बनाए गए हैं। दुर्लभ या लुप्त प्राय प्रजातियों व ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व वाली प्रजातियों को संरक्षित रखने के लिए बीजों या जीवों के जीन्स को जीन बैंक या सीड बैंकों में रखा जाता है। लिहाजा वैज्ञानिकों ने 2016 की घटना के बाद से वॉल्ट की सुरक्षा के लिए और अभेद्य उपाय तलाशने शुरू किए, जिसमें गर्माती धरती के तापमान पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। नॉर्वे सरकार ने इस ग्लोबल सीड वॉल्ट की मरम्मत और उसे आधुनिक बनाने के लिए साल 2018 में करीब 84 करोड़ रुपए खर्च किए। नॉर्वे ने वॉल्ट की मरम्मत और इसे अपग्रेड करने के लिए कंक्रीट की एक नई सुरंग बनाई, साथ ही इमरजेंसी पावर हाउस और रेफ्रिजरेटिंग यूनिट्स का भी निर्माण किया। वैज्ञानिक इस वॉल्ट में लगातार नए सीड्स को जोड़ते जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट से जुड़े हर वैज्ञानिक इसे अनंत काल के लिए सुरक्षित बनाए रखने के लिए जुटे हुए हैं, क्योंकि ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं, दुनिया और इसमें रह रहे इंसानों के भविष्य की उम्मीद है।